राजस्थान परिवहन बजट 2024-25 सम्माननीय दिव्या कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है। ये जो बजट है पृष्ठ 1 से और पृष्ठ 125 तक इसको पूरा का पूरा है मेरी तरफ से पढ़ा हुआ मान लिया जाए। लेकिन माने अध्यक्ष महोदय विधानसभा क्षेत्र अंता में जो मॉडल सीएससी के साथ बजट में माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो घोषित किया गया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 8.26% हिस्सा 27,600 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरे राजस्थान में रखा है। मैं इस बात को नहीं दोहराता हुआ मेरा सुझाव है कि ये जो माँ योजना है इसमें माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी होती है और बच्चा उसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते डिलीवरी का पैसा नहीं मिलता है तो डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होती है और बच्चा एनआईसीयू में निकू पिकू में प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है। तो माँ बच्चे का दूर होना ये अच्छी बात नहीं है। आप माने वसुंधरा जी की सरकार के समय ये फ्री में होता था आप भी इस प्रावधान को लागू करें। आपने बहुत सारे पैकेज को बढ़ाने के लिए जो बात करी है ये जनता को गरीब लोगों को किसानों को इसमें फ़ायदा होगा। मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माने मंत्री मोदी मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चिरंजीव की मुख्यमंत्री योजना के नाम से अभी मेरे विपक्षी साथी बार बार कह रहे थे कि 25 लाख का मुफ्त इलाज। मैं कहता हूँ सारे कोड आप डाल लो और सारे TID जनरेट कर दो फिर भी 25 लाख रुपया नहीं हो सकता क्योंकि एकमात्र 125 करोड़ आपने एड लगा लगा के इसको रटाने का और प्रचार करने का काम किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मांगरोल की जो रोड सड़क पानी के लिए जो आपने पैसा दिलाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी मांग है रक्सपुरिया पुलिया टूटी हुई है उसको माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से दिलाने की बात करता हूँ। ERCP योजना संशोधित कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मेरी विधानसभा क्षेत्र से नदियाँ निकलेगी मेलपुर बांध में डैम बनना है और हमारे जनता के सामने पानी बहकर निकल जाएगा तो जनता के दिल में अच्छा नहीं गुजरेगा। लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसमें जोड़कर और आप हमारे क्षेत्र में पानी देने की बात करेंगे। मैं अंता विधानसभा क्षेत्र 12 से आता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय बस वहाँ एक मिनट मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन माननीय प्रमोद जैन के समय हता हुआ है वो पूर्व मंत्री के समय अता हुआ है। चोरों का सरदार है इसलिए आप चिड़ो मत। चोरों के सरदार की विधानसभा रही है मेरी विधानसभा और मोदी उसके द्वारा ऐसा अवैध खनन हुआ है। मोदी मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य आपके मिर्ची क्यों लग रही है? चोरों के सरदार आपके सरदार है उसके बारे में बोल रहा हूँ। बजट जैसे महत्वपूर्ण 5 मिनट